नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। इस साल आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आपको पता होगा कि यह पर्व आश्विन महीने की अमावस्या तिथि के अगले दिन से शुरू होता है और 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहारों में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, उपवास और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। पूजा के दौरान संकल्प लिया जाता है और देवी दुर्गा के विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से खास कृपा होती है। परिवार के सदस्यों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस साल माता रानी का आगमन पालकी में हुआ है। देवी पुराण के अनुसार बृहस्पतिवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ दुर्गा का वाहन पालकी होता है। ऐसे में देवी के आगमन से कुछ राशियों को धन धान्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम उन 3 राशियों के बारे में जानेंगे जिस पर इस नवरात्रि के महीने में धन धान्य के बरकत के साथ समय इनके अनुकूल होगा। हमारे लिस्ट में जो पहली राशि है वो है वृषभ राशि। इसके बारे में बात करें तो देवी माँ के आशीर्वाद से इनके जीवन में शांति और स्थिरता आएगी, जिससे तनाव और चिंता दूर होंगे, नए आय के स्रोत खुल सकते हैं और निवेश से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति से इनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे बैंक बैलेंस में सुधार होगा, सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और व्यापार के विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और लेन देन सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नवरात्रि के बाद छात्रों के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करने का समय अनुकूल है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होगा। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। नवरात्रि के दौरान और उसके बाद भी सिंह राशि के जातकों का आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच मजबूत रहेगा। ये नए सकारात्मक विचारों को विकसित करेंगे और उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे। आय में वृद्धि के चलते इनके जीवन शैली में सुधार होगा, नौकरी में स्थिरता से मानसिक शांति मिलेगी और व्यापार में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। उद्योगों में विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क में सीनियर्स से सहायता मिलेंगी, वही परिवार के साथ समय बिताने के कई मौके मिलेंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। तीसरी और आखिरी राशि है तुला। माता रानी की कृपा आप और आपके शुभ चिंतकों पर बनी रहेगी। आप अधिक शांत और संतुलित महसूस करेंगे, जिससे तनाव में कमी आएगी, नौकरी में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे, जबकि खुदरा व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, कारोबार में लाभ का मार्जिन बढ़ेगा और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, जिससे विवाह के अवसर भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है। इन 3 राशियों के अलावा किसी और राशि की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।